नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम देवेश शुक्ला है और मैं वीएनआर नर्सरी प्राइवेट लिमिटेड रायपुर में बिजनेस हेड हूँ। आज के वीडियो में मेरी कोशिश यह है कि मैं आपको मई महीने में जो वीएनआर मधुर प्रजाति है वीएनआर नर्सरी की, उसके फलन के बारे में बताऊं कि हिंदुस्तान में किस जगह पर पहली बार वीएनआर मधुर की अर्ली फ्रूटिंग लेने का प्रयास किया जा रहा है। हम इस समय बस्तर के बकावंड क्षेत्र में हैं। आज 12 मई 2023 है और ये जो बगीचा है, ये बगीचा जुलाई 2020 में लगाया गया है। यहाँ पर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 5 फिट है और लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस है वो 10 फिट है। इस हिसाब से तकरीबन 870 प्लांट प्रति एकड़ के हिसाब से पौधरोपण किया गया है। इस बगीचे की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बगीचा श्री योगेश टांग जी का है। योगेश टांग जी एक बहुत ही रिनोन्ड प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जो तरह तरह की लेटेस्ट हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स को अपने खेतों में उपयोग करके अच्छे से अच्छी पैदावार और अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। योगेश टांग जी सीड प्रोडक्शन में हैं, योगेश टांग जी कॉमर्शियल वेजिटेबल प्रोडक्शन में हैं और योगेश टांग जी के पास में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वीएनआर मधुर का बगीचा है। यहाँ पर तकरीबन 15,000 पौधे लगे हुए हैं और योगेश टांग जी ने पिछले वर्ष पौने दो वर्ष की आयु पे इसमें पहला फ्रूटिंग लेने का प्रयास किया था और उसमें इन्होंने ट्रायल के रूप में अपने बगीचे में 80,000 से 85,000 फलों की बैगिंग की थी। 90% के आसपास में उनकी क्रॉप सक्सेसफुल रही और उससे प्रेरित होकर उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि किस किस सीज़न में सीताफल के फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इस कोशिश में उन्होंने महाराष्ट्र का दौरा किया। सासवड क्षेत्र के कुछ किसान अप्रैल मई के महीने में फल लेने का प्रयास प्रारंभ करते हैं। वो एक ग्रुप बना के वहाँ पर गए और उन किसानों से मिलके उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि वो इस प्रयास को किस प्रकार करते हैं। मेरी उम्मीद है कि जुलाई में ये फ्रूट हार्वेस्ट होंगे। जुलाई में आमतौर पर सीताफल की आवक नहीं के बराबर रहती है और जुलाई में अगर मार्केट की जो डिमांड क्रिएट होगी उसमें ये शायद अकेले फार्मर होंगे इस पूरे बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में जिनके पास सीताफल उपलब्ध होगा। तो उम्मीद है कि बाज़ार से इनको अच्छी प्राइस मिलेगी, इनके आत्मविश्वास को और भी बेहतर करेगी और ये नए नए प्रयोग करने के लिए और भी ज़्यादा इनक्रेज फील करेंगे, प्रोत्साहित फील करेंगे। इस बगीचे को अगर मैं और डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूं, तो स्पैलियर तकनीक पे ये बगीचा लगाया गया है। स्पैलियर मैनेजमेंट तकनीक में हम पौधे को ज़मीन से 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे पहली शाखा लेते हैं, उस शाखा से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे दूसरी शाखा लेते हैं और उस बीच की शाखा से 50 सेंटीमीटर ऊपर तीसरी शाखा लेते हैं। इस प्रकार ज़मीन की सतह से सबसे ऊपर की शाखा की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर या 6 फीट के आसपास होती है। इसका उद्देश्य सीधा सरल है कि सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि किसी भी फल की खेती में अगर हम पौधों की अच्छी सेवा कर पाते हैं तो हमारे पौधे स्वस्थ भी रहते हैं और वो बहुत अच्छा फल उत्पादन भी करते हैं। सीताफल की खेती में या बहुत से तरह के फलों की खेती में प्रूनिंग एक आवश्यक प्रक्रिया है जिसको हमें हर साल करना होता है। और प्रूनिंग आपके पास में जितना बड़ा छोटा या बड़ा बगीचा है उसके आधार पर उसमें आप लेबर एम्प्लॉय करते हैं और उनसे प्रूनिंग कराते हैं। अगर पौधा उनकी पहुंच में रहता है तो एक लेबर एक दिन में अधिक से अधिक पौधों की अच्छी क्वालिटी की प्रूनिंग कर सकता है। बट पौधे की ऊंचाई और फैलाव अगर बहुत अधिक है, ऐसी स्थिति में प्रति लेबर प्रतिदिन पौधों की संख्या प्रूनिंग की कम होती जाती है। हमने कई वीडियो देखे हैं महाराष्ट्र के और अन्य जगहों पर जहाँ पर कि बड़े बड़े वृक्ष हैं और लेबर सीढ़ी लगा के स्टूल पे खड़े होके या पेड़ के ऊपर में चढ़ के पौधों की प्रूनिंग करते हैं। मेरा सुझाव यहाँ पर यह है कि इस प्रक्रिया को एक बार किसान भाई दोबारा से समझने की कोशिश करें कि बाजार में हम फल की कीमत को रेगुलेट नहीं कर सकते। बाजार में फल की कीमत हमारे हाथ में नहीं है कि वो कितने की हो और कितने की ना हो। ऐसी स्थिति में हम फलोत्पादन के खर्च पे निगाह रख के अपने खर्चों को कुछ कम करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि बाजार में अगर औसत या औसत से कम भी हमको दाम मिलता है तो हमारा
बगीचे का कार्य अच्छी तरीके से किया जा सके। इस पौधे का जो आकार दिया गया है, इस पौधे पे देखिए मैं इसके सामने खड़ा हूँ और ये पूरा पूरा पौधा मेरी पहुँच में है। अगर इसमें प्रूनिंग करनी है तो प्रूनिंग करने के लिए मैं अपने सिकेटियर को कहीं से भी उपयोग करके किसी भी शाखा को आराम से काट सकता हूँ। नीचे की डालियों की बात छोड़ दीजिए, सबसे ऊपर की डाली पे अगर मैं पहुँच रहा हूँ तो मेरी पहुँच पूरे पौधे पे है। इसी प्रकार से प्रूनिंग के बाद में जब हम फलों का चुनाव करते हैं, एक वृक्ष में बहुत सारे फल आते हैं, अब हमें वहाँ पर चुनाव करना होता है कि कौन सा फल बहुत अच्छे आकार का है, कौन सा फल बहुत स्वस्थ दिख रहा है, और एक फल से दूसरे फल की दूरी भी निर्धारित करनी होती है। ऐसी स्थिति में अगर पौधा हमारी पहुँच में रहता है तो हम इस काम को भी आसानी से कर पाते हैं। इसको थिनिंग कहते हैं। इसके बाद में हम बैगिंग की प्रक्रिया में जाते हैं। बैगिंग की प्रक्रिया बेसिकली आमतौर पर फल मक्खी से बचाव के लिए, फलों की अच्छी गुणवत्ता युक्त क्वालिटी के लिए, ठीक है, और उसके साथ ही साथ फलों के अच्छा जो दिखाव है, अपीयरेंस जिसको कहते हैं, ठीक है, फल देखने में खूबसूरत हों, जिससे बाजार में लोग आकर्षित होकर उसको अधिक दाम पे खरीदें, इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम इसमें बैगिंग करने की कोशिश करते हैं। और हमारा अनुभव रहा है कि पिछले 2 वर्षों में जो भी बैगिंग के फल थे वो अच्छी गुणवत्ता के थे, और जिन फलों पे बैगिंग नहीं हुई है उन फलों की गुणवत्ता इनकी तुलना में कम थी। इस बगीचे में मार्च महीने में यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई, फरवरी मार्च महीने में, और उसके बाद में मार्च में इसमें फूल दिखने शुरू हुए। योगेश टांग जी के मन में आया कि हमारे इस सीज़न में मार्च के महीने में फूल आए हैं तो हम क्यों ना एक ट्रायल करें कि हम इस फसल को लेने का एक प्रयास करें और देखें कि हम इसमें सफल होते हैं कि नहीं होते हैं। सो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इस पूरे के पूरे बगीचे में कहीं कहीं पर पॉलिनेशन किया, कहीं कहीं पर पॉलिनेशन नहीं किया, और वो भी एक उनका ट्रायल ही है कि जिन फलों पर पॉलिनेशन किया वो कैसे रहे, जिन फलों पर पॉलिनेशन नहीं किया वो कैसे रहे। सो आने वाले समय में जब इसकी हार्वेस्टिंग चालू होगी तो हम ये देख पाएंगे कि क्या स्थिति में बगीचे का प्रबंध था और उसके क्या परिणाम सामने आए। अभी हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि फल कितने बड़े हुए पैकेट में, ये जो बैग लगे हुए हैं इनमें फल किस आकार तक पहुँच चुके हैं, किस वजन तक पहुँच चुके हैं। ये बैगिंग इनकी शुरू हुई है अप्रैल के महीने में और आज तकरीबन 20-25 दिन हो रहे हैं बैगिंग होते हुए, तो ये जो फल हैं ये तकरीबन 40-45 दिन की उम्र के हैं। और अभी हम एक फल आपको निकाल के दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी ये जो फल आपके सामने है ये फल रैंडमली सेलेक्ट किया गया है और निकाला गया है, किसी भी वृक्ष से निकाल के इसको आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरी उम्मीद है कि अधिकांशतः फल इसी आकार और इसी वजन के आसपास होंगे। हो सकता है किसी वृक्ष में कुछ फल इससे बड़े हों या कुछ फल इससे छोटे हों। सो पिछले 45 से 50 दिन की अवधि में ये फल इतना बड़ा हो गया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका जुलाई में हार्वेस्टिंग होगा, तो अभी जुलाई आने में, आज चूंकि 12 मई 2023 है, जुलाई आने में तकरीबन 45 से 50 दिन का समय है। अगले 45 से 50 दिन में ये फल पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा और अपने पूरे आकार के साथ में वृद्धि करेगा, तो ये हार्वेस्टिंग में जब मार्केट में जाएगा तो बहुत अच्छा इसका अपीयरेंस होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है।